और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं मिर्जापुर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीब शोषित वंचित पीड़ित हर समाज के मुखिया और सबके लिए काम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी का मझवा की धरती पर मझवा की देवतुल्य जनता की तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूं। मैं आपका प्रणाम करता हूं। देव महाराज आप महान है। सूरज सत्य चंद्रमा से चंद्रमा शीतलता, आकाश गंगा की तरह निर्मल था, पावन गंगा की तरह शीतलता और सागर की तरह गहराईता और हिमालय की तरह विशालता और धरती की तरह सहिष्णुता, ये सारे सद्गुण आप में विद्यमान है। हे महाराज जी आप महान है। हे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप महान है। कहा गया है कि जब संत और बसंत में दो ही समानता होती है, जब बसंत ऋतु आती है तो जो है पूरी जो है प्रकृति बदल जाती है। प्रारंभ करवाएंगे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बैनर भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी बिंद क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल जल की पेयजल की शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, इन बीमारियों की रोकथाम के लिए हम दवा भले ही कराते हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक पद्धति से आप देखेंगे तो वाटर थेरेपी उसका एक माध्यम बनेगा, शुद्ध पेयजल उसका एक माध्यम बनेगा। और जल जीवन मिशन इस महत्वपूर्ण अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का ही अभियान है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहां पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहाँ के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा।
और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, इस 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझुआ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए, इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम